बांधवगढ़ किला। लगभग 2000 साल पुराना यह किला बांधवगढ़ पहाड़ियों की खड़ी चोटी पर स्थित है, जिसे रीवा के महाराजाओं ने बनवाया था। 800 मीटर की ऊंचाई पर बने इस किले से शहर और जंगल का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। इस किले की अपनी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि इस किले को भारत और लंका के बीच सेतु समुद्रम बनाने वाले वानरों ने बनाया था। राम, लक्ष्मण और हनुमान ने लंका से वापसी के समय यहाँ विश्राम किया था। तब राम ने यह किला लक्ष्मण को भाई के प्रेम की निशानी के तौर पर भेंट किया। लक्ष्मण को बांधवधीज की उपाधि यहीं से मिली थी। बाद में यह किला रीवा के राजाओं के अधीन रहा। किले के बगल से चरण गंगा नदी बहती है। कहा जाता है कि इस नदी का स्रोत विष्णु के चरण हैं, इसी कारण इस नदी का नाम चरण गंगा पड़ा। पास ही शेष सैया पर विराजमान विष्णु की विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति को चट्टानों से काटकर बनाया गया है। किले के मुख्य रास्ते से थोड़ा हटकर विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। साथ ही 12वीं शताब्दी के 3 छोटे किंतु सुंदर मंदिरों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। पार्क के उत्तरी हिस्से में 35 बलुआ पत्थर की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में पहली शताब्दी के ब्राह्मी अभिलेख प्राप्त हुए हैं।